बसमीम आज हमारे पास रेनोल्ड का कोिड एम सेवनटीन बोर्ड है बात करने जा रहे हैं इस मॉसफेट के बारे में इस मॉसफेट का इस पूरे बोर्ड के अंदर बहुत अहम रोल होता है ये पूरे बोर्ड को फाइव बुल्ड सप्लाई प्रोवाइड कराता है ये मॉसफेट अक्सर ख़राब हो जाता है ख़राब होने पर हम किस तरह चेक करें कि ये ठीक है या ख़राब हो चुका है इसकी कौन सी पिन ड्रेन है कौन सी सोर्स है और कौन सी गेट वाली पिन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये फाइबर सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है इसके बारे में भी आज आपको बताने की कोशिश करेंगे जो भाई न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं इस मॉसफेट के बारे में ये मॉसफेट है एन चैनल मॉसफेट फ़र्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखें कि एन चैनल मॉसफेट है ये इसका नंबर होता है ए बी यू के नाइन सिक्स फोर ज़ीरो इसके स्थान पर एक दो मॉसफेट और आते हैं नाइन एट थ्री सेवन सिक्स वगैरह आते हैं और भी मॉसफेट आते हैं जिनको इसके स्थान पर लगा सकते हैं इसमें ये हमेशा इस साइड में ये गेट रहता है इसका ये गेट रहता है और ये सोर्स रहता है और ये ड्रेन रहता है ऊपरी सेट को ड्राइव रिसीव होती है आईसी से जब तक इस आईसी को ड्राइव रिसीव नहीं होगी तब तक इसके सोर्स से फायबुल्ड सप्लाई आउट नहीं होगी यानी कि गेट पे पहले ड्राइव का होना ज़रूरी है ड्राइव रिसीव होने के बाद फाइव बोल्ट आउट होंगे और इस मॉस्फेट के पास में अक्सर आपको एक येलो कलर का कैपेसिटर ज़रूर देखने को मिलेगा क्यों लगा होता है ये फाइव बोल्ट सप्लाई को फिल्टर करता है उसे चार्ज करता है डिस्चार्ज करता है इसलिए यहाँ पर लगा हुआ होता है तो एक बार और ये रहा गेट ऊपर रहा ड्रेन और ये रहा सोर्स आइए मल्टीमीटर से कैसे चेक करें कि ये ठीक है या ख़राब और ऑन होने के बाद इस वाले बटन से हम इसे ऑन करेंगे और डायोड को चेक करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा सामने ऊपर डायोड या मॉसफेट इस रेंज पर चेक कर सकते हैं ठीक है हमने ये सेलेक्ट कर लिया है इसके ड्रेन पर ब्लैक प्रॉब लगाएं यानी कि नेगेटिव और इसके सोर्स पर आप लगाएं रेड प्रॉप तो आप देखिए यहाँ पर लगभग 500 के आसपास में रीडिंग आनी चाहिए तो रीडिंग आ रही है 505 इसके साथ साथ मल्टीमीटर से ये भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं गेट और सोर्स आपस में शॉर्ट तो नहीं हो गए कई बार ऐसा होता है कि आप लगे लगे चेक कर रहे हैं और इसके बराबर में लगा होता है कैपेसिटर जिसके कारण से ये अपनी वैल्यू सही नहीं दिखाता आपको कन्फ्यूजिंग होती है तो आप इसको बाहर निकाल कर भी चेक कर सकते हैं बाहर निकाल कर ये बिल्कुल अपनी सही वैल्यू शो करेगा उम्मीद करते हैं कि आपको एक छोटी सी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी जो भाई बहुत मुकम्मल और कम्प्लीटली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ई सी एम एक्सपर्ट से नीचे दिए हुए नंबर पर रबता कर सकते हैं बहुत बहुत रीज़नेबल फ़ी पर हम आपको बहुत, बहुत बेस्ट बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं आप संपर्क करें और अपने आप को बेहतर ई रिपेयर करने वाला बनाएं बस आज की वीडियो यहीं तक जल्द किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी ताला थैंक यू सो मच